हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आईपी यूनिवर्सिटी के आंसर सीरीज के बाद अब ऑब्जेक्शन का जो फॉर्म है क्लोज होने लग गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके रिजल्ट्स अर्ली अनाउंस हो गए थे। अब आप लोगों को बहुत जल्दी अपना CML मिलने वाला है। CML क्या होता है? कॉमन मेरिट लिस्ट। अब इसे हम बोलते हैं रैंक, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे अलॉट करता है। अब इसका कोई फॉर्मूला है नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊं कि किस बेसिस पे कैलकुलेट करता है, बट आप लोगों का जो रॉ स्कोर अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं घर पे, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं आने वाली। ये आईपी यूनिवर्सिटी का अपना ही खुद का फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे आपको CML जो है दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि सभी स्टूडेंट को जब अपने रैंक मिल जाएंगे तो हमें ईजिली पता चल सकता है कि हमारी कॉलेज में जो प्रेफरेंस है किस तरीके से हमें सेट करनी है ताकि हमें कॉलेजेस में आराम से एडमिशन मिल जाए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आप लोगों का आईपी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस। तो एंट्रेंस एग्जाम आप लोग अब दे चुके हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए अभी आप लोगों को 1000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये पोर्टल कभी भी खुल सकता है क्योंकि धीरे धीरे करके कुछ कोर्सेज के लिए इन्होंने जो मास्टर्स कोर्स का जो रिजल्ट आया था 31 मई को जो एग्जाम हुआ था मास्टर्स कोर्सेज के लिए, उनका इन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग का पोर्टल ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जब आप लोगों के सभी के कोर्सेज अलग अलग हैं, कोई स्टूडेंट अभी जो मेरे को देख रहा है शायद वो BBA कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हो सकता है कि आप BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सबको अपने अपने काउंसलिंग का प्रोसेस जो है एक्यूरेटली देखना है, क्योंकि डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। जैसे कि मैं NLT के बारे में बात करूँ, नेशनल लेवल टेस्ट वालों के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं फर्स्ट राउंड का, तो आप लोगों को अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी थी मेरा काम खत्म, जी नहीं, 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों को अपनी चॉइसिस का जो है प्रेफरेंस उसमें डालने का मौका दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज जो होगा आप लोगों का, जैसे अभी आप देख रहे हो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ फेज़ 1 चल रहा है, वैसे ही आईपी यूनिवर्सिटी का फेज़ 1 होता है कह सकते हैं, कि जिसमें आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन होती है, और इस दौरान आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन इन द सेंस कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गड़बड़ कर दी होगी, कुछ डिटेल डालना भूल गए होंगे, तो वो चीज़ें अभी आप इस दौरान एडिट्स भी कर सकते हैं, मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी ऑनलाइन काउंसलिंग के फर्स्ट फेज के अंदर। और उसके बाद आपको उसी ब्रोशर में नीचे दिया जाएगा कि चॉइस फिलिंग विल बी अवेलेबल सून। तो चॉइस फिलिंग आपकी होगी जब आप लोगों के सभी के डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड हो जाएंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग में आपको बहुत तरीके से चॉइस फिलिंग करें, जो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करूँगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करके आप आराम से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद हम आ जाएंगे अपने अलॉटमेंट वाले फेज में। जैसे ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा, फिर हमें एक डिसीजन लेना होता है कि फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कॉलेज अलॉट होगा आपको उसका डिसीजन लेना होता है। उसके लिए एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा आपको फी पेमेंट करने के लिए, वो फी भी आपको अपने अकाउंट में मेंटेन रखनी है। 60,000 रुपीज आपके इनिशियल लगने वाले हैं। किसी भी कॉलेज में आप अलॉटमेंट लेते हैं या फिर आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 60,000 रुपीज आपके बैलेंस में होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अभी आप देख रहे हो। इससे आप लोगों को एक प्री प्लान्ड स्टेप्स मिल रहे हैं जो आपको अपकमिंग टाइम में कभी भी मात्र 1 हफ्ते के अंदर, मात्र 2 हफ्ते के अंदर करने को मिलेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, CUT का रिजल्ट आएगा, उसके बाद और ज़्यादा रश मच जाएगा। तो अभी आपको अपने लिए थोड़े से स्टेप्स लेने हैं और एक्टिव रहना है ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस में। कल मैंने आप लोगों के लिए ऑल इन वन अपडेट्स की वीडियो बनाई थी, लाइव सेशन लिया था, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सुना है, और आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरीके से सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ, लाइव सेशन लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और आपके कोई भी डाउट है क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म भी दे दिया, आप उस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू हमारे करियर काउंसलर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। और डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसपे हम अपने चैट सपोर्ट के थ्रू आपको चैट के अंदर भी रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।